हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेजी आरसी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात के पावागढ़ सिटी के मध्य में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर एक छोटी सी पार्किंग भी उपलब्ध है और घूमने के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। और मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 18 स्टेप चढ़कर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं महादेव मंदिर की ओर। इस मंदिर की स्थापना 1893 में पावागढ़ के महाराजा राजा तखत सिंह ने की थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम दक्षेश्वर महादेव मंदिर रखा गया है। इस मंदिर को पावागढ़ के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक माना जाता है। 18 अंकुरित नक्काशीदार स्तंभों पर समर्थित मंदिर में एक मुख्य हॉल है जिसमें 3 आंखों वाली भगवान शिव की मूर्ति है। मंदिर का भव्य प्रांगण शिखर के ठीक नीचे संगमरमर की अंतकुष्ट नक्काशी को समेटे हुए है और इसमें नंदी की एक छोटी मूर्ति है। मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए संगमरमर से बनी पैदल सीढ़ियों से गुजरना होगा। और शिवरात्रि के उत्सव के दौरान मंदिर में दुनिया भर से भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर से आप खांबात खाड़ी के खूबसूरत दृश्यों को भी देख सकते हैं और यहाँ से आप पूरे पावागढ़ सिटी को भी देख सकते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ बिकने का आनंद भी रोमांचकारी है। गर्मियों के मौसम में लोग देर रात तक यहाँ हिल स्टेशन जैसा आनंद लेते हैं। रविवार के दिन लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और सनलाइट का मजा लेते हैं। यह जगह अच्छी और शांत है। यहाँ पर आप प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो इस मंदिर में आरती का लुत्फ जरूर से उठाएं। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को शेयर करना दोस्तों।